सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है एक पोएम जिसका नाम है द रेवन, रिटन बाय एडगर एलन पोए। और जैसा हम जानते हैं कि ये जो रेवन एक पोएम है, वो एक नरेटिव पोएम है जो 1845 में पब्लिश हुई थी। ये पोएम जानी जाती है इसके म्यूजिक, इसकी लैंग्वेज और इसके स्टाइल और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के लिए। कहने का मतलब ये है कि इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, इसकी लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट है और इसका स्टाइल और इसमें जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का जो यूज़ हुआ है, यानी कि इसमें स्पिरिट्स, जादू, इन सब चीज़ों को कहते हैं सुपर नेचुरल, और इन चीज़ों का यूज़ एडगर ने अपनी पोएम में किया है। तो पोएम की समरी शुरू करने से पहले हम इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडगर एलन पोए ने ये पोएम तब लिखी थी जब उसकी पत्नी वर्जीनिया बीमार थी। वर्जीनिया को क्या हुआ था? वर्जीनिया टीबी से सफ़र कर रही थी। टीबी मीन्स ट्यूबरक्लोसिस, और इस बीमारी ने उसकी फैमिली के तीन और लोगों की जान ले ली थी। तो इसलिए एडगर अपनी वाइफ के लिए अच्छे खासे परेशान थे। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, और इस दुख ने एडगर को कई और पोएम लिखने के लिए इंस्पायर किया। मीन्स अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए वो पोएम का सहारा लेते हैं और अपने दुख को पोएम के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं या फिर रीडर्स तक पहुंचाते हैं। ये पोएम गोथिक लिटरेचर की कैटेगरी में आती है। और अब ये गोथिक क्या होता है? जब कोई राइटर अपने वर्क्स में, चाहे पोएम हो, नॉवेल हो या स्टोरी हो, किसी में भी जादू, टोना, घोस्ट, विचेस, इन सब चीज़ों का यूज़ करता है, तो ये गोथिक लिटरेचर में आती है। तो अब शुरू करते हैं इस पोएम की समरी। इस पोएम में एक अननेम नरेटर है, यानी कि उसका कोई नाम नहीं है। वो अकेला है और अपने घर में बैठा हुआ है। सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना है और शाम का समय है। वो अपने कुर्सी पर बैठकर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही। इसी बीच वो अपने दरवाजे पर एक खटखटाहट की आवाज़ सुनता है, लेकिन उसको अनसुना करने की कोशिश करता है। वो अपनी पत्नी लेनर की डेथ के दुख को कम करने के लिए कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने आप को यकीन दिलाता है कि दरवाजे पर कोई नहीं है। मीन्स उसे लगता है कि वो अपनी पत्नी लेनर की मृत्यु पर इतना दुखी है कि उसे भ्रम हो रहा है और दरवाजे पर कोई नहीं है। उसकी उत्सुकता बनी रहती है और बढ़ती रहती है, और इसी उत्सुकता को कम करने के लिए वो सोचता है कि मुझे देखना चाहिए कि दरवाजे पर कोई नहीं है। वो आखिर में दरवाजे को खोलकर देखता है और अपने बिलवड का नाम लेता है, लेनर। बाहर अंधेरा है और वहाँ पर उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इसके बाद वो अपनी खिड़की पर खटखट की आवाज़ सुनता है। अब वो उस खिड़की को भी खोलकर देखता है। अचानक से कोवर रेवन, जिसे कहते हैं रेवन कहते हैं कोवे को, उसको अंदर उड़ता हुआ देखता है। और जब वो उसे अंदर देखता है तो सोचता है कि ये सिर्फ एक कौवा है, और क्योंकि वो अकेला है तो मजाक में उससे पूछता है, कुएं से पूछता है कि उसका नाम क्या है, यानी कि वो रेवन का नाम पूछता है। लेकिन अगले ही पल वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जो कौवा है, रेवन है, उसे रेस्पॉन्स देता है। वो कहता है नेवर मोर। स्पीकर को ये अजीब लगता है और वो सोचता है कि उसे थोड़ी और बात करनी चाहिए उससे। और अगले ही पल स्पीकर अपने आप से कहता है कि उसके अपनों की तरह वो कौवा भी उसे छोड़कर चला जाएगा। इस पर रेवन फिर से कहता है कि नेवर मोर। अब नरेटर रेवन के सामने बैठ जाता है उससे बात करने के लिए और समझने की कोशिश करने के लिए कि आखिर में इस नेवर मोर का मतलब क्या है। और स्पीकर उस रेवन से कई सवाल और पूछता है, जिनका वो रेस्पॉन्स सिर्फ नेवर मोर ही देता है। अचानक से नरेटर को समझ आता है, या स्पीकर को समझ आता है, कि जो एंजल्स या फरिश्ते होते हैं, ईश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं। ये एंजल्स ही हवा को भारी करते हैं और हवा में खुशबू को घोलते हैं। और ये सारी चीज़ें सोचता है, वो परेशान है। वो रेवन से पूछता है कि क्या ईश्वर मेरे दुख को कम करेंगे। इस पर रेवन फिर से वही उत्तर देता है कि नेवर मोर। और उसकी उम्मीद अपनी बिलवड से हेवन में मिलने की, उसको रिजेक्ट कर देता है कौवा, ये कह करके नेवर मोर। और फिर नरेटर चाहता है कि वो उसको अकेला छोड़ दे, यानी कि जो कौवा है वो उसको अकेला छोड़ दे। आखिर में नरेटर हमें बताता है कि रेवन लगातार उसके कमरे के अंदर उस मूर्ति, यानी कि स्टैचू के सर के ऊपर बैठने लगा जो ग्रीक देवता फैलस का था। और वो कहता है कि वो कौवा हमेशा उस मूर्ति की परछाई, यानी कि शैडो में रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये एक मिस्टीरियस पोएम है जिसके कुछ हिस्से खुद राइटर ने क्लियर किए हैं और कुछ हिस्सों को समझने के लिए उसने रीडर्स पर छोड़ दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव ए नाइस डे।